मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के बढ़लगंज कोतवाली पुलिस ने डीआईजी व डिप्टी कमिश्नर को 419, 420, 465, 467, 468, 474 सहित विभिन्न अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शायद आपको भी यह सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, तो आइए आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। मामला गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कस्बे के ही महदेवा मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय राहुल पांडे सुनियोजित तरीके से डीआईजी बिहार, डिप्टी कमिश्नर व उत्तर प्रदेश सरकार के जनता दरबार का अधिकारी बन विभिन्न जिलों के एसएसपी, डीएम व विभिन्न उच्च अधिकारियों को फोन कर गलत कार्य के लिए दबाव बनाने के साथ ही इन सभी अधिकारियों से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता था। पुलिस सूत्रों की माने तो अभियुक्त के बात करने के कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से विभिन्न अधिकारी भी इसकी बातों में आ जाते थे। कुछ सूत्रों की माने तो इस शातिर अपराधी ने विभिन्न मंत्री बल प्रमुख सचिव को भी कई बार फोन किया है। बढ़लगंज पुलिस ने फर्जी डीआईजी को किया गिरफ्तार, फर्जी डीआईजी बन अधिकारियों को करता था फोन। गोरखपुर पुलिस के हाथ एक ऐसा अभियुक्त लगा है जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। बता दें हम कि फर्जी डीआईजी बन करके पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाला राहुल जो अभियुक्त था वह गिरफ्तार हो चुका है। इतिहासों की इसकी बात करें हम तो यहाँ पे देखने को ये मिला है कि कई लोगों को वह फ़ोन करके फर्जी डीआईजी बनकर, डीआईजी बिहार बनकर पैसे मंगाता था, प्रमोशन की बात करता था, ट्रांसफ़र की बात करता था। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ गोला हमारे साथ मौजूद। सर, क्या मामला है इस पूरा प्रकरण का, जिस प्रकार से ऐसा कहा जा रहा है कि फर्जी डीआईजी बनकर के बहुत सारे फोन के माध्यम से, क्योंकि पुलिस को भी ये कई बार परेशान कर चुका है, यहाँ तक कि एसएसपी को भी लाइन पे लेता था, वह डीएम कन्नौज की बात, डीएम को डायरेक्ट फ़ोन करता था ट्रांसफ़र को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के। क्या प्रकरण है पूरा? कल एसएचओ बढ़लगंज व उनकी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो शातिर अपराधी राहुल पांडे जो बढ़लगंज का ही निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। जो काफ़ी समय से डीआईजी बनकर या कमिश्नर बनकर पुलिस विभाग में पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को या प्रशासनिक विभाग में फ़ोन करके प्रमोशन का प्रलोभन देता था, वसूली की बात करता था और अपने काम कराता था। इसके अलावा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन का अधिकारी बनकर भी लोगों को फ़ोन करता था और अपने खाते में इसने काफ़ी पैसे भी लोगों से इकट्ठा किए हुए हैं, वसूले हैं। तो जैसे ही बढ़लगंज पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, बढ़लगंज पुलिस को भी फोन करके प्रमोशन का प्रलोभन देने लगा। तो बढ़लगंज पुलिस इसके पीछे लग गई और इसको ट्रेस किया तो पता चला वो यहीं का रहने वाला है और बढ़लगंज एसएचओ उनकी टीम ने लग कर इसे जो है गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तो आखिर कोतवाल ने किया डीआईजी को गिरफ्तार। शायद सुनने में ये आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह हकीकत बयां करता है गोरखपुर पुलिस के जो अभियुक्त राहुल पांडे को पकड़ा गया है उसके द्वारा। आपको बता दें कि फर्जी डीआईजी और डिप्टी कमिश्नर बनकर के पुलिस महकमे को परेशान करने वाला अभियुक्त उसको बढ़लगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको अगर इसके इतिहास के बारे में बताएं तो ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि यह फर्जी डीआईजी बनकर के कई एसएसपी, कई डीएम के साथ साथ सीओ और एसपी को फ़ोन करता था, ट्रांसफ़र की बात करता था, प्रमोशंस की बात करता था। यहीं तक नहीं, ये इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर के भी बहुत सारे लोगों से अपने खातों में पैसा भी भिजवा चुका है। तो पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी सफलता गोरखपुर पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रकरण है। उम्र की बात करें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, लगभग 24 से 25 साल उम्र बताई जा रही है और इस छोटी सी उम्र में ही एसएसपी और डीएम को उसने फोन्स के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम के अलावा बैंक खातों में पैसे मंगाता था, ट्रांसफ़र करता था और ख़ुद को बिहार का डीआईजी बताता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए भी यह एक बड़ी सफलता हाथ में आई है।